कॉस्ट पर रिजल्ट्स कैसे कम करें। जब भी हम फेसबुक एड रन करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है उससे ज्यादा तो हमारी कॉस्ट लग रही है फेसबुक एड्स पे। मान लीजिए कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, ये माउस है और इसको हम सेल कर रहे हैं और ये माउस हम 299 में सेल कर रहे हैं, मतलब 299 में सेल कर रहे हैं और इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो हमें 599 की आ रही है, ठीक है। तो इस चीजों से मतलब कैसे कम करें अपनी कॉस्ट पर रिजल्ट को फेसबुक एड्स के थ्रू, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मैं आपको देने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप अपना कॉस्ट पर रिजल्ट कम कर सकते हो फेसबुक एड्स में। तो वीडियो को पूरी एंड तक ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। मेक श्योर वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। एंड डेफिनेटली हम 2024 में आपको फेसबुक एड्स कंप्लीट सिखा के छोड़ने वाले हैं, तो मेक श्योर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम कॉस्ट पर रिजल्ट को कम कर सकते हैं। देखो, नए लोग जब आते हैं फेसबुक एड रन करने वो एक उम्मीद से अपना एक प्रोडक्ट लेके आते हैं, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिर फिजिकल प्रोडक्ट हो, मैटर नहीं करता है। वो एक उम्मीद लगा के आते हैं फेसबुक एड पे कि हम बिजनेस करेंगे और हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, बट उनके साथ उल्टा होता है। जैसे ही वो फेसबुक एड रन करने जाते हैं तो उनकी कॉस्ट पर रिजल्ट बहुत ज्यादा हाई होने लग जाती है और वो डीमोटिवेट होकर ये सोचने लगते हैं कि ये प्रोडक्ट ही खराब है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट सही हो। देखो, प्रोडक्ट भी विनिंग होते हैं, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट नहीं चलता, लेकिन हो सकता है कि वो प्रोडक्ट सही हो अगर आप कुछ चीजों को सही कर लो। तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे हम कम कर सकते हैं अपनी कॉस्ट पर रिजल्ट को, तो चलिए मैं आपको एक एक चीजें बताता हूं। जब भी आप फेसबुक एड पे अपनी एड रन कर रहे हो तो सबसे पहली चीज, जब आप अपनी एड रन कर देते हो तो पहले 3 दिन आपको कुछ भी नहीं देखना, चाहे आपको 0 सेल्स मिले, तो आपको ये पहले देखना है कि मेरे को पहले मेरी 3 दिन एड्स कंटिन्यू रन होनी चाहिए, 3 दिन बाद में आपको डाटा रीड करना आना चाहिए। अगर आप डाटा रीड नहीं कर पाते हो तो आप फेसबुक एड्स में फेल हो जाओगे। आपको डाटा रीडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहले आपको चेक करना है आपका सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, आपको मतलब एक क्लिक का कितना पे करना पड़ रहा है फेसबुक एड्स को। अगर वो हाई है, अगर आपका सीपीसी हाई है तो आप अपना सीटीआर चेक कीजिए। सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, मतलब जो एड आपने रन की है उसके ऊपर कितने लोग मतलब क्लिक कर रहे हैं, कितने लोगों को वो प्रभावित कर रही है कि आप लोग उसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो सीटीआर होता है वो कि अगर आपका सीटीआर अच्छा है तो आपकी सीपीसी सही रहेगी, अगर आपका सीटीआर खराब है तो आपका सीपीसी हाई रहेगा। अगर आपका सीपीसी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीपीसी अगर आपका हाई है तो सीटीआर रेट चेक कीजिए। सीटीआर रेट अगर डाउन है, ये वाइस वर्सा है, अगर सीटीआर रेट अगर आपका डाउन रहेगा तो सीपीसी हाई रहेगा, सीटीआर हाई रहेगा तो सीपीसी डाउन रहेगा, ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान में रख लेना, सीटीआर आपको सही मेंटेन करना है। सीटीआर मेंटेन कैसे करोगे, आपको अच्छी एंगेजिंग एड बनानी है, जो एड आप बनाओगे लोगों को एंगेज करनी चाहिए, तभी आपका सीटीआर हाई रहेगा और सीपीसी कम रहेगा। तो मेक श्योर सबसे पहले आपको अपना सीपीसी चेक करना है कि आपका सीपीसी कहीं ज्यादा हाई तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से लोग आपके पास आई नहीं पा रहे, ज्यादा लोग आई नहीं पा रहे, तो आप सेल्स कहां से करोगे। सेकंड चीज, अगर आपका सीपीसी सही है तो आपको चेक करना है कि कितने लोगों ने आपके एड के ऊपर क्लिक किया है। सपोज मान लीजिए 100 लोगों ने आपकी एड पे क्लिक किया है, अब आपको यहां पे चेक करना है लैंडिंग पेज व्यूज, जहां पे भी आप लोगों को रीडायरेक्ट कर रहे हो आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो वहां पे आपको चेक करना है कि 100 में से कितने लोग मेरी वेबसाइट पे गए। हो सकता है 100 लोगों ने आपकी एड के ऊपर क्लिक किया बट आपकी वेबसाइट पे सिर्फ 20 लोग गए हैं, तो जो प्रॉब्लम है वो आपकी वेबसाइट की स्पीड में प्रॉब्लम है। तो मेक श्योर आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड सही कर लेनी चाहिए, कम से कम कितने लोग जाने चाहिए लिंक क्लिक के बाद। अगर 100 लोगों ने आपकी एड के ऊपर क्लिक किया है तो मिनिमम 60 लोग आपकी वेबसाइट पे जाने चाहिए, 60% का कन्वर्जन रेट आपकी होनी चाहिए लिंक क्लिक से लैंडिंग पेज व्यूज तक। अगर ये नहीं आ रहा है तो अपनी लैंडिंग पेज व्यूज या फिर अपनी वेबसाइट की स्पीड को आप इंक्रीज कीजिए। फिर आता है आपके लैंडिंग पेज का मटेरियल, ठीक है, यहां तक अपना ऐड का हो गया। अब लैंडिंग पेज पे चेक कीजिए कि मान लीजिए कितने लोग आपकी लैंडिंग पेज पे आए हैं। मान लीजिए 10 लोग आपकी लैंडिंग पेज पे आए हैं और आपका एक भी कन्वर्जन नहीं हुआ है, आपकी एक भी सेल नहीं हुई है, तो कोई ना कोई डिफेक्ट या फिर कोई ना कोई दिक्कत आपके लैंडिंग पेज में है, ठीक है। अगर आप मतलब 10-20 लोगों से आप एनालाइज नहीं कर पाओगे कि कहां दिक्कत है, इसलिए 3 दिन का डाटा हम लेके चलते हैं, ठीक है। आपको वहां पे पता लग जाएगा 100 लोग आपकी लैंडिंग पेज पे गए और आपकी सेल हुई है 2, तो मतलब वो बहुत बेकार है, आपका लैंडिंग पेज खराब है। हो सकता है आपने जो प्राइसिंग वहां डाली है प्रोडक्ट की वो प्राइसिंग खराब है, कुछ ना कुछ चेंज करके आपको वहां पे देखना होगा, अपने लैंडिंग पेज को भी सही करना होगा।
फिर आपको चेक करना ये सारी चीजें कि आपका मतलब सब कुछ ओवरऑल सही चल रहा है, तो उन एड्स को कंटिन्यू कीजिए। अगर वो थोड़ा बहुत आपको ब्रेक इवन कर रही है या फिर आपको थोड़ा सा लॉस दे रही है तो वो हो जाएगा सही, लेकिन इन चीजों में अगर ये मैट्रिक्स आपका खराब है, ये डाटा अगर आपका खराब है, तो आपको चेंज करने की जरूरत है। पता कीजिए कहां पे दिक्कत है। सीपीसी में दिक्कत है, एड्स बदलिए, ठीक है। सीटीआर में दिक्कत है, एड्स बदलिए। लिंक क्लिक और लैंडिंग पेज में अगर डिफरेंस ज्यादा है तो स्पीड चेक कीजिए। लैंडिंग पेज पे लोग आ रहे हैं लेकिन सेल नहीं हो रही, तो लैंडिंग पेज में चेक कीजिए। इस तरीके से आपको अपनी दिक्कत फाइंड करनी होगी कि कहां एक्चुअल में प्रॉब्लम है, तभी आप प्रॉपर सेल्स कर पाओगे। तो मेक श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने कॉस्ट पर रिजल्ट को डाउन करना है और ज्यादा से ज्यादा सेल्स करनी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अपन मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।